व्यूअर्स, आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग करना बताऊंगी, जिसके साइडों में पांचों में बेल्ट लगेगी, जो पट्टी स्ट्रिप टाइप होती है, जो टाई की तरह बांध दिया जाता है। अब इसके लेते हैं मेजरमेंट। ऊपर से 2 इंच नेफा अलहदा कर ले बीच में से, और क्रेच एरिया 14 पे, घुटना 21 पे, तो इसकी फुल लेंथ जो होगी ना 35 होगी। इसकी मार्किंग अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। दरमियान में से इसको हाफ कर लेते हैं, जो 7.5 पर आ रहा है, 7.5 पर। अब पांचे की साइड से भी 7.5 पे कर लेते हैं, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। रिवर्स ये हमने दरम्यान में से हाफ कर लिया है। अब इसका वेस्ट लाइन जब लेंगे तो यहाँ से 4.5 लेंगे, इधर से भी 4.5, फिर 6 इंच पर हिप लाइन की का एक मार्जिन लगाएंगे, हिप लाइन का। व्यूअर्स, इन मार्किंग को हमने स्ट्रेट कर लिया। अब ये हिप लाइन, और 5 इंच पर क्रच जैक पर निशान लगाएंगे। फिर नी लाइन, हेम लाइन, हेम लाइन लेंगे। यहाँ से भी 4.5 होगा, यहाँ से भी इसको स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ से राउंड। ये फ्रंट का, इंच 1 इंच बीच में एक्स्ट्रा लेंगे साथ में, और यहाँ से 4 इंच है, यहाँ से भी 4 इंच, हेम लाइन से 3 इंच, यहाँ से ऊपर से हल्का सा राउंड शेप देंगे, राउंड शेप, और इधर से इनको ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट, स्किल की मदद से भी आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस तरह हाथ से भी आप निशान लगा सकते हैं, और स्किल भी होती है, स्किल का निशान भी स्किल के ज़रिए भी निशान लगा सकते हैं, और इधर से भी आप व्यूअर्स, इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग करते हैं। व्यूअर्स, इसकी कटिंग कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये इसका
लेग की कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये भी बस अब साइड की कर रहे हैं। वीवर्स ये स्ट्रिप जो है 20 इंच की ले लें आप, 18 इंच की ले लें लंबाई में, और ये यहाँ पर आएगा जो साइड से ओपन होगा उधर ये स्ट्रिप अटैच होगी, टाई की तरह बांध देना। चलो वीवर्स ऊपर से बैक का जो एरिया है ना वहाँ पे तिरछा करना है, मैंने 1.5 की है। यहाँ से तिरछे लिए और ये भी बस इस तरह 1 इंच का गैप देते हुए जाएंगे मार्जिन के लिए। इसमें हमने मार्जिन नहीं लिया सिलाई मार्जिन। अब इधर से सेम इसी तरह कटिंग होगी, इधर मार्जिन नहीं देना। ये भी बस इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है।
नहीं, बस पांचों पे जो स्ट्रिप लगेगी, पट्टी सी लगेगी, जिसको साइड पे जो साइड से ओपन होगा साइड पे बांधेंगे, वो मैं 18 इंच ले रही हूँ। 4 स्ट्रिप होंगी, 2.2 की ले रही हूँ मैं। ये रिवर्स इस तरह अटैच होगी, इस तरह से एक फ्रंट का होगा, साइड का होगा, साथ में बांध देंगे। रिवर्स ये इसका क्रच एरिया, फ्रंट का हम साथ में ज्वाइंट कर रहे हैं, फिर बैक का करेंगे। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। अभी फ्रंट्स का हो गया, अब ये बैक का है। व्यूअर्स, ये अब साइड की स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अब इसका यहाँ से 4 इंच रखा है, जो साइड से ट्राउज़र होगा वो 4 इंच खुला होगा, 1/2 इंच पट्टी में जाएगा। अब आइए इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये वीवर्स अब इसके पांचे की साइड की मुड़ाई कर रहे हैं, जहाँ से 4 इंच ओपन होगा। ये इसका दोनों साइड से इस तरह मोड़ लेंगे इसको। फिर मैं आपको इसके स्टिच लगाना बताती हूँ। रिवर्स एक पांचा पहले से तैयार कर लिए, एक आप लोगों को दिखाने के लिए। ये इस तरह कंप्लीट हो जाएगा साइड से। अब इसके ऊपर स्ट्रिप अटैच करना बताती हूँ। रिवर्स ये वाली स्ट्रिप है, ये इधर से जो क्रच एरिया की साइड है, पांचे की जगह से इस तरह फोल्ड करेंगे। आप इस तरह करके भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी स्टिचिंग सही है तो आप इसमें रख कर ऊपर से स्टिच कर लें। इस तरह सेट करके स्टिच कर लें। स्टिचिंग करने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इसकी स्ट्रिप यहाँ पे अटैच होगी, क्योंकि मैंने पांचे का मार्जिन बीच में नहीं लिया था। इसको अटैच करके जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको फोल्ड करते जाएं। इधर साइड से प्रेस लगाएं, सॉरी व्यूअर्स सिलाई लगाएं।
लीवर साहब ये दूसरे साइड का साथ में अटैच कर रहे हैं। ये रिवर्स कंप्लीट हो गया, इसको दूसरी साइड का लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रिवर्स अब इसकी साइड की स्टिचिंग हमने स्टार्ट कर ली है, जो क्रच एरिया पांचवी से लेकर क्रच एरिया तक होगा। रिवर्स इसका ये दूसरे पांचे की लास्ट सिलाई है जो हम कंप्लीट कर दी। हमारा ट्राउजर सिल के तैयार हो गया। ये बहुत आसानी और इजीली बन जाता है। रिवर्स ट्राउज़र कंप्लीट होकर आगे इसकी जो फाइनल लुक है, इसके पांचे देखे, इस पर नॉट लगा दिए, ये वाली स्ट्रिप थी, ये इसकी फाइनल लुक है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।